हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा क्लास 12 एक्सरसाइज 19.3 का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये गिवन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ये 3x माइनस 5 के पावर 4 dx, ये दिया हुआ है। तो हम आपको बताए हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो यहाँ पे देखिए ये 3x माइनस 5 के पावर 4 है। तो इस क्वेश्चन यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में यानी कि जो है वो पावर में जैसे 10 या 5 या 6 या 2 या 1 यानी कि इस टाइप का जितना भी रहेगा पावर में जैसे जो अधिक रहेगा वो जो है वो हम यानी कि पुट कर लेते हैं वहाँ पर जो है वो यानी कि आप ये टी या फिर जेड या कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम इनको यानी कि पुट कर लेते हैं, पुट ये 3x माइनस 5 को जो है वो हम टी पुट कर लेते हैं, 3x माइनस 5 को जो है वो हम टी पुट कर लेते हैं। तो यहाँ जो है वो हम यानी कि ये x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 3x इक्वल टू ये टी प्लस 5, तो देयर फोर एक्स इक्वल टू ये टी प्लस 5 बाय 3 हो जाएगा, ये टी प्लस 5 बाय 3 हो जाएगा। एक्चुअली अभी जो है वह लाइट कट गया है, इसीलिए जो है वह वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखिए 3x माइनस 5 इक्वल टू टी, ये 3x इक्वल टू ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे इनको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये 3x का कितना हो जाएगा, ये 3 इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट का तो 0, ये dt बाय dx। देयर फोर यहाँ से जो है वह dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये होगा dt बाय 3, ये dt बाय 3 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो dt बाय 3 आया हुआ है, तो ये जो dt 3 आया हुआ है, अब हम क्वेश्चन से चलते हैं नाउ। तो ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है x, x के स्थान पे जो है वह टी प्लस 5 बाय 3 रख सकते हैं, तो ये टी प्लस 5 बाय 3 इंटू ये देखिए ये जो है वह टी का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, टी पावर 4, क्योंकि ये 3x माइनस 5 के स्थान पे जो है वह हम पुट कर दिए थे टी, तो ये 4 हो गया और ये dx का स्थान पे जो है वह dt बाय 3 हो गया। अब देखिए इनको जो है वह मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये देखिए 1/3 और ये 1/9 यानी 3 3 जा 9, तो ये कॉन्स्टेंट है तो बाहर, ये टी पावर 4 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी पावर 5 और ये प्लस 5 टी पावर 4 और ये dt हो गया, ये इतना हो गया। तो अब देखिए ये 1/9 और ये जो है वो ब्रैकेट में टी पावर 5 का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी पावर 6/6 प्लस 5 कॉन्स्टेंट पहले से ही टी पावर 5/5। अब देखिए यहाँ पे अब प्लस सी, ये और ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, ये 1/9, ये 1/9 और यहाँ पे देखिए क्या बचा हुआ है, टी पावर 6/6 प्लस टी पावर 5 और ये प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे जो है वह टी पावर 5 जो है वह कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर हम इनको कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये 1/9 ये टी पावर 5 जब कॉमन ले लेंगे तो ये टी बाय 6 प्लस 1 और ये प्लस सी। ये देखिए ये 1/9 टी के स्थान पे जो है वो हम क्या पुट किए थे, तो ये 3x माइनस 5 और यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये टी ही होगा, टी के स्थान पे जो है वो हम 3x माइनस 5 रख सकते हैं प्लस 1 है। देखिए 1/1 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 ये हमारा 6 हो जाएगा प्लस सी। ये देखिए यानी टी पावर 5 है तो ये भी पावर 5 ना हो जाएगा। तो अब देखिए यानी कि ये यानी कि 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा कितना होता है, तो ये 54 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/54 इंटू ये हमारा होगा 3x माइनस 5 के पावर 5 और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 3x और ये माइनस 5 और ये 6, तो ये प्लस 1 और प्लस सी। इस क्वेश्चन का जो है वह यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन गिवन इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 3 dx, ये दिया हुआ और इनका कहता है इंटीग्रेशन। तो देखिए आपको हम बताए हैं यानी कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3,
ये जो 1 2 3 जो यानी कि ये जो 1 2 3 में जो बताया है वह सेम टू सेम जो क्वेश्चन हुआ ये जो है वह सेम टू सेम है। तो आप लोग इनको खुद से बनाइएगा, ये बन जाएगा। ये देखिए x माइनस थ्री के स्थान पे जो है वह आप पुट कर दीजिएगा t, और फिर जो है वह उसको x के रिस्पेक्ट में जो है वह डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर डी एक्स के स्थान पर जो डी टी का जो वैल्यू आएगा डी टी बाय जो कुछ समथिंग आया होगा तो यहाँ पर रखिएगा और यहाँ पर टी हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स के जो वैल्यू निकालिएगा टी के टर्म निकाल दीजिएगा, यानी कि ये जो है वह जैसे देखिए एक्स माइनस थ्री इक्वल टू आप जो जब जो है वह टी पुट करिएगा तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये जो है वह टी प्लस थ्री आ जाएगा। तो यहीं पे रखिएगा और इनको सॉल्व करिएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी है, आप लोग इनको खुद से बना सकते हैं। तो ये आप लोग पर हम ये रहने दिए हैं, अब हम अगले वीडियो से 7 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।